फैंसी परिवार के द्वारा आयोजित फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 में पधारे हुए सभी महानुभव और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और यहां पे देखो बल्लेबाज ने स्वागत किया है तीसरे ओवर की पहली बॉल पे मैक्सिमम 6 के साथ। तो हेमांग भाई अभी ये पहली बॉल आती 6 के साथ। ये एक और कड़क शॉट यहां पे, लगातार दो गेंदों में दो छक्के मारे हैं, क्या यह तीसरा आ सकता है? ये मारा है ये दूसरे बल्लेबाज इस श्रृंखला के, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारे हैं। तेजी से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। तुम्हें बता दूं कि यहाँ हैड्रिक सिक्सर फैंसी कप की ओर से, फैंसी फैमिली की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार। ये दूसरे बल्लेबाज बने हर्षल पटेल के बाद हेमंग पटेल, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। स्मीरा जिग्नेश भाई डाया भाई जिगू भाई डाया भाई पटेल की ओर से भी 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा इनको, जेडी किंग के ऑनर। ये बॉल को भी 6 देना चाहते थे लेकिन रडार में नहीं आई। बत्तीस में 32 चाहिए। एक और अच्छा यहां पे स्ट्रोक मारा है, एक और सिक्सर, चौथा सिक्सर। और ये पांचवा सिक्सर यहां पे आता हुआ, पांचवा सिक्सर, 3 गेंदों में 3 छक्के और इसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। और अभी बीच में एक गैप हुआ और उसके बाद ये देखो 2 छक्के। काश अगर वो छक्का लग गया होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में ये भी आ जाते हैं। अगली अगली बॉल जो भी आएगी उसके ऊपर फिर से छक्का मारेंगे हेमंग भाई, तो वो लगातार एक और यानी दूसरी बार छक्का हैट्रिक सिक्सर मारने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो यहां धुआंधार आतिशी पारी हेमंग पटेल के बल्ले से, वही डैनियल भी कप्तान मौजूद है, तो बड़ी पारी खेलते हुए
क्या ही लाजवाब खूबसूरत बल्लेबाजी करी है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से हो सकती है पिटाई। एक तरफ से तो हेमंत पटेल ने बल्ला उनका हल्ला बोलता हुआ, हेमंत का बल्ला माशाल्लाह क्या खूबसूरत, जिस तरीके से संजय मांजरेकर बताते कि विराट का बल्ला खूबसूरत है, इसी तरीके से हेमंत का बल्ला दमन के इस फैंसी कप में लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ। तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा, तुम तो हो ही लाजवाब, खुदा की कसम तुम्हारा जवाब क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत। अगर अगली गेंद हेमंत सिक्सर लगाते हैं, और ये सुंदर सुंदर यहाँ पे शुरुआत, इस बार शुरुआत यहाँ पे कप्तान डेनिल भाई के बल्ले से निकलता हुआ। करता हुआ 49 ये अच्छा शॉट था, लेकिन सीधा हाथों में मारा था फील्डर के लिए, और ये लगा है पहला विकेट। बिल्कुल फैंसी फैमिली की ओर से नकद पुरस्कार 2100 रुपए का इनाम है, और वहीं इस्मीरा जिगूबाई डायाबाई पटेल जेडी किंग के ऑनर की ओर से भी 2100 रुपए का नकद पुरस्कार है। और एकमात्र ऐसे हरफन मौला हर्षल पटेल जिन्होंने हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर लगाया है, लेकिन आज एक दूसरा ऐसा बल्लेबाज हेमंत पटेल जिन्होंने 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाए है। तो यहां से बिल्कुल जीत की ओर बढ़ती हुई टीम फैंसी 11। हेमंत भाई आते ही यहाँ पे खेल दिया है 1 रन के लिए, और इसी के साथ 50 अप टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। स्ट्राइक पर आए हेमंत भाई, अभी लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारे, अब ये दूसरी बार कारनामा ये करने के लिए तैयार है। अब उनको जरूरत है ये बॉल के ऊपर छग्गा मारने की, अगर ये कर लेते हैं तो इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज हो जाएंगे जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के दूसरी बार मारे। ये तीसरे के लिए मारा है, और ये थोड़ा सा अंतर के लिए बचे, चौका मिला फिर भी थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं स्वयं बल्लेबाज। यहाँ पे हजारों दर्शक जो इस मैच का जो मुआयना कर रहे हैं कि हेमंत भाई करीब 2 फीट से चूके ये छक्का हो जाता, और लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारने वाले ये बल्लेबाज हो जाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ये हल्के से गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन एरिया में, और इसी के साथ 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर जो बदली करते हुए 12 गेंदों में 37 रन बना लिए है हेमंत भाई ने, जिनमें 5 छक्के और 1 चौका। ये सुंदर सुंदर से खेला था वो, दोनों एक ही साथ में है, क्या ये हो सकता है।
ये दूसरा विकेट रन आउट के रूप में यहाँ पे गिरता हुआ और ड्रिंक्स ब्रेक इस बीच पड़ाव पर है। मैं बता दूँ आपके 12 गेंदों में यहाँ पे 37 रन मारे थे, एक मारे है चौके मारे हैं जिसमें एक, लेकिन छक्के उससे भी ज़्यादा मारे हैं। लगातार ये रिकॉर्ड करने वाले थे हेमंत भाई की 6 गेंदों में 6 छक्के मारे, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 फीट से बच गया। तीसरा छक्का 2 गेंदों में 2 तो मार ही लिया था, दूसरी बार छक्का मारने का प्रयास में, लेकिन तीसरी बार करीब 2 फीट यहाँ पे दूर रह गए। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो भाई कोशिशें तो बहुत ही अच्छी करी थी हेमंत भाई ने, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया शायद ये कह सकते हैं आप। तो 55 रन है 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 55 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी 4 ओवर में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है, जीत के लिए 24 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। अगला मुकाबला जो कि आज के दिन का होने जा रहा है और वो होगा आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो होगा धोड़ी 11 वर्सेस धर्म 11 डीडी। कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे हेमंत भाई। जीतू भाई हाँ ये पहली बॉल नेवर की पहली बॉल यहां पे और ये बड़ा हिट यहां पे रन के साथ और 43 पे पहुंचे हैं यहां पे हेमंत भाई 13 में 43। ये बड़ा हिट मारने का प्रयास है, जीत के लिए सिर्फ सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है, 50 हो सकता था। यहां पे हेमंत भाई फुल फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे, और ये क्या ये चौका निकल जाएगा तो ये प्रिंस हेमंत सिक्सर लगाते तो 50 बना सकते हैं। हेमंत के पास एक मौका रहेगा अगर सिंगल लेकर बड़ा हिट लगाए, यहां से हेमंत अगर बड़ा हिट लगाते तो इनके 50 बनने का एक मौका है। बिल्कुल बिल्कुल ये मौका भी है, वारदात भी यहां पे है और कमाल की बल्लेबाजी आज करी है। क्या ये छग्गा मार करके अपनी अर्धशतक पूरी करते हैं या नहीं आने वाला पल बचाएंगे। बिल्कुल आज जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा हुई है और ये आया भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए आ जावे। और मैं बता दूं आखिरी गेंद पर हमने भविष्यवाणी की थी कि ये गेंद कमेंट्री बॉक्स पर आएगी, इसलिए मैं दौड़कर पहले से नीचे आ गया लेकिन वो कैच नहीं आ पाया।
मैन ऑफ द मैच हेमंग। और मैं बता दूं एक मैच में सबसे ज्यादा छग्गे मारने वाले बल्लेबाज हो गए हैं, और वो भी देखो कम बॉलों में। पर